ससुराल वालों ने मार दिया। आज मैंने सपना देखा, वो काली रात थी, आज लगता है मेरी बहन मुझे बुला रही है। ममता जैसे तू राखी बांधती गई, याद तेरी याद आती मेरी बहन, हाँ तेरी याद आती ममता। हाँ मेरी बहना ये राखी के लाज तेरा भैया ने बांधा, मेरी बहना ये राखी के लाज तेरा भैया ने बांधा। भैया बहुत गजब हो गया भैया। क्या हुआ भैया? तुमने घबरा हुआ है भैया? आपकी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया है भैया। नहीं नहीं नहीं, चकली बार तेरे हाथ में राखी बांधूंगी, देखे तेरा भाई तेरे बिदा के ममता, देखे तेरा भाई तेरे बिदा के लिए आया। हाय रे मोरी धरिया रे दैया, दुर्गा क्यों मार डाला हमारी बहन का? दुर्गा अरे दहेज के लिए मैंने अपने मकान का बेटा ला, दहेज के लिए मेरी पत्नी गहने तक भी गए, दहेज के लिए मेरी जमीन भी गई ही, क्यों मार डाला हमारी बहन के दुर्गा, क्यों मार डाला मेरी बहन के दुर्गा। अरे मोरी धरिया रे दैया, हरे मोरे करमा हमका छोड़ी के चाली गायू रे दैया। हमारी बहन तो खत्म हो गई, उसका भाई जिंदा ही, अब इलाज थाने जाएगी दुर्गा, दहेज का केस चलेगा, तुझे और तेरे बेटे को जेल की सलाखों में डाल के रहूंगा, मैं तुझे जेल की सलाखों में डाल के रहूंगा। मेरी बहन इन्हीं हाथों समय ने तुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया, आज इन्हीं हाथों से आज इन्हीं हाथों तेरा भाई तेरी लाश उठाने जाता है, जो तेरा भैया नहीं हाथ तो तेरी लाश उठाने जाता है। भैया पे क्या बीत रही बगना तुझे क्या जाने, कलेज के टुकड़े को रो रो के भुलाना के
देखे तेरा भैया तुझे बुला रहा है, देखे तेरा भैया तुझे बुला रहे बाबू। फिलहाल थाने जाएगी ही हम दुर्गा ये ला थाने जाएगी दुर्गा। हाय रे दैया युकात है जा काटा मर गए, हम सोचे रान जला दे अब शोक मोक मिट जाई, अब यू लात लई के थाने गवा मर का मातारी पूतन के राग जुगाड़ नहीं है गरमा, अब कहा जा बच्चा मार कहा गे। अरे बोल बुतावा ये साला मेहतर कहा गया, आज ये सफाई नहीं साले को तनख्वाह नहीं दूंगा साले को। ए अनिता कुमार इसको सबक लीजिए सबक। सर क्या बात, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बहुत परेशान दिखाई दे रहा, क्या बात है सर? मैं क्या बात है सर, मेरे हाथ से दो खून हो गए। ओह माय गॉड, है क्या बात है बेटा? सर सर क्या है, कुछ लेन देन की बात हो जाए। ओ तू तो हमारे काम का आदमी निकला, देखो तुम्हारे हाथ से दो खून हुए ना जी, और 1,00,000 लगेंगे। 1,00,000? बिल्कुल सर, मुझे मंजूर है। लेकिन सर हो सकता है आपके पास कोई राजन नाम का व्यक्ति हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए। रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। लगा मुझे यकीन नहीं होता है। क्यों कहते क्या है करते क्या है, मुझे पुलिस के पता यकीन नहीं होता है। मैं वैसा पुलिस वाला नहीं हूँ, जिससे पैसे लेता हूँ ना उसका बराबर काम करता हूँ। तो तुम्हें पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं सर, तुम चल के मेरे ऑफिस में ठहरो और देखो मैं कैसे इस केस को घुमा फिरा के रफा दफा करता हूँ। ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में ठहरा हूँ। ठीक है हमारी बहने साहब, ये हमारी बहने मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। आधे किलो भी नहीं मार डाला ये करी कि बहन को साहब हमारी बहन का खून का हिसाब दिलाए साहब, मेरी बहन का खून का हिसाब दिलाए साहब। हमारी बहन का मानने वाला का स्वागत मिस्टर रमन है, इसके साथ जो दुर्गा है जो 3,00,000 रुपए के दरिद्र ने मार डाला हमारी बहन को साहब, मार डाला ये गरीब की बहन को साहब। ये कैसे देश की रक्षक है, यहां तो कोई गरीब की बात को नहीं सुनता, यहां तो कोई गरीब की बात को नहीं सुनता। ये शोर है, अगर ये सोते रहेंगे तो हमारे देश में हजारों बेटियां दहेज की आग में जिंदा जला दिया जाएगा, हजारों बेटियां दहेज के लिए मार दी जाएंगी। ये मेरे देश में दहेज की आग कब बुझेगी, ये मेरे देश में दहेज की आग कब बुझेगी? ये हमारी बहने साहब, ये हमारी बहने साहब, साहब ये हमारी बहन है। आज मिस्टर रमन ने 3,00,000 रुपए दहेज के लिए मार डाला एक गरीब की बहन को साहब। आज की रात पहुंचना चाहती हमारी बहन को जला के सबूत मिटा देते साहब, हमारी बहन का सबूत मिटा देते साहब।
हमारी बहन का खून करने वाला मिस्टर हमारे साथ साथ इसके सासू है जो दरिंद्र ने दहेज के लिए हमारी बहन का मार डाला दहेज के लिए साहब। देख के जब सांप निकल जाएगा तब तुम साले लकीर पीटोगे। चलो साले उधर पकड़िया तेरे बैठो, साले आराम नहीं करने देते। लगता कि नींद तुम्हें तो पैदा है क्यों? अरे वो 310 का केस हो गया, लाश लेकर थाने में आया है और तुम साले बता रहे हो साले मरी कत्ल ले जा। इसका जरा चेहरा खोल, इस लाश की तफ्तीश करना है। ओ माय गॉड, इसके शरीर पर तो अनेकों खरोंच के निशान है और चेहरे पर भी खरोंच के निशान लगे हुए हैं। इसका शरीर तो काफी चोट खाया हुआ है। मुझे तो लगता है साले कि तूने इसका बलात्कार करके इसे जान से मार दिया है और तू साला भगाना चाहता किसी और को। तू क्या कह रहा है? अरे तू तो देश का रक्षक है, तू देश का रक्षक हो गया, देश का कैसे भक्षक बन गया कुत्ता। क्या होता है साला चिरकुट के औलाद? ओ माय गॉड, अगर सही समय से नहीं आते ना तो ये तो साला मेरा ही गला दबा के मुझे जान से मार देता। मार दो साले को। ओ माय गॉड, साला इंसाफ मांगने आया था क्यों? मिल गया तुझे इंसाफ? हाँ राजन, जिस तरह मैं तेरी बहन को मारा था, हाँ तुझे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरे भी अमर ना आया ना। मेरी बहन कमाने वाला कत्तार है, अरे दहेज का भूखा भेड़िया कुत्ता। याद करो दिन जिस दिन तूने मुझ पे हाथ उठाया था। मैंने कसम खाई थी उसी दिन कि जब तक तुझे मैं खून के आंसू नहीं लाऊंगा जैसे नहीं बैठूंगा। अतरा हाल करूंगा कि देखने वाले की रोहे काम जाएगी का। ओ माय गॉड,
ये तो साला अपनी बहन के साथ देवी लगता है ऊपर चला गया। सर सर अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जब तक हम जैसे इस डिपार्टमेंट में पुलिस वाले मौजूद है ना, ईमानदार पुलिस वाले, कुछ नहीं होगा। अरे इस केस को मैं रोड एक्सीडेंट का केस बना दूंगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, शाम तक आपके खाते में 1,00,000 पहुंच जाएगा। चलता हूँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ए बंतीलाल, ए बंतीलाल, अरे उसके जेबों में क्या ढूंढ रहे हो भाई? इसके जेब में साले के पैसा नहीं है। ये साला चिरकुट गरीब था, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे बे? साला गरीब था तो पैदा कैसे होने में? साले कोई अमीरी गरीबी देखता क्या? साहब क्या है, इसको 1 रात रोकी क्यों बे? अच्छी बहुत है, अच्छी है। साले मर गई है, मरने के बाद साले क्या करेगा? बोलबे तो ना। चुप साला बेवकूफ कहीं का। अरे उमर की तरफ ध्यान दो, उमर की तरफ। 98 वर्ष की है, मोछ बनवा दे। चुप अरके तिवारी, अंगहे को भगाओ और दुआ तबीयत के तकड़ मत पड़ो। मेरी बात मानो, तुम लोग इधर 1 घंटे तक कोई गश्त पर नहीं आएगा। हम लोग 1 घंटे के बाद में आएंगे, मीडिया वालों को साथ में लाएंगे। इस केस को हम रोड एक्सीडेंट का केस बना देंगे, समझ गए ना? ए बंसीलाल, साले पहले तो अपना इलाज कराओ। तुम लोग मेरे साथ में आओ। आप एक बार खोल कर देख ले, ये एक बार खोल कर देख ले। हाँ दहेज के तेरे भाई का क्या हलवा, आज दहेज के तेरे भाई का क्या हलवा। अरे माँ डाला गत्ता रोली, माँ डाला दहेज के लोग ने तेरे साथ साथ मुझे भी। देख ममता, ये तेरा भैया तुझे बुला रहा है। देखे तेरा भैया तुझे बुला रहा ममता, तेरा भैया तुझे बुला रहा ममता। ममता देखिए तेरा भैया तुझे बुला रहा है। मेरी बहन ये एक बार बोल दे बगैना कमार, ये एक बार नजरी उठा के देख ले भगवान दया न तुझे तो यार, नजरी उठा के देख ले भगवान। नजर उठा के देख विधाता दया न तुझे तो आई, नजर उठा के देख विधाता।
भैया राजन, ले चलिए अपनी बहन को अंतिम संस्कार कर दीजिए। नहीं, मेरी बहन को जलाने से पहले पहले उसके भाई को जिंदा जला दो, मैंने भी मब तक बिंग में पकड़ हो जाऊंगा। मेरी बहन के बिंग में पकड़ हो जाऊंगा, मैं अपनी बहन के बिंग में पकड़ लूंगा। कोई नहीं, हमारी बिंद मरेगा, कोई